उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के ग्राम मुबारकपुर सूरजपुर से एक बहुत बड़ी खबर आप देख सकते हैं। सूरजपुर के जो मेन मार्ग पे क्राउन प्लाजा जो कि 5-स्टार होटल है और हमारे देश में सबसे बड़ा होटल है और NCR रेंज में सबसे बड़े होटलों में गिनती आती है। आप देख सकते हैं क्राउन प्लाजा के सामने इतनी गंदगी है कि जहां पर हमारे देश में डेंगू जैसी महामारी फैल रही है वहां पर इतनी गंदगी एक 5-स्टार होटल के सामने। तो आप सोच सकते हैं जब ग्राम के मुख्य मार्ग मुबारकपुर में इतनी गंदगी है और एक 5-स्टार होटल के सामने इतनी ज़्यादा गंदगी है तो अंदर गाँव की क्या हालत होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं बड़े बड़े अधिकारी SDM DM कमिश्नर साहब सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं और आप देख सकते हैं ग्राम के मुख्य मार्ग पर इतनी गंदगी, जगह जगह पानी फैला हुआ है, जगह जगह गंदगी ही गंदगी है। आइए जानते हैं जो स्थानीय निवासी है, ग्राम निवासी, उनका क्या कहना है, क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, स्मार्ट इंडिया की बातें करती हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करती हैं, लेकिन वहां पर इतनी गंदगी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं स्थानीय निवासी को क्या कहना है। आपने कहीं पर शिकायत दर्ज कराई है कि भाई यहाँ घर के सामने पानी भरा पड़ा है, ये बगल में 5-स्टार होटल है, बारात घर है, तो इस तरह से यहाँ पर गंदगी है और ग्रेटर नोएडा एक हाई प्रोफाइल एरिया है, अगर यहाँ पर इतनी गंदगी होगी तो सफाई कहाँ होगी फिर भैया? यार कोई सफाई वाला अभी ना कैमे बिटेरी है, कूड़ा उठाने को भी कैमे कोई भी नहीं आता भैया, तो वो कह देते हैं कर तो दी सफाई, ऊपर ऊपर से नाला झाड़ कर अंदर से करते ही ना चले जाओ, पानी तो फिर भी निकल रहा ना, आप देख सकते हो पानी कितना निकल रहा है। हाँ हाँ तो वही तो रहेंगे, उनको खूब काम है, वो ना सुनते भैया। भाई डेंगू जैसी महामारी फैल रही है हमारे देश में, सारे अस्पताल फुल हैं, उसके बाद भी भाई बच्चों की देखभाल कौन करेगा बताओ? हाँ इनसे ही फैल रही होता है भाई, मच्छर तो इनसे फैल रहे हैं ना, अब सुनाई ना होती क्या करें, अब कहाँ जाम हमें तो कोई जान गए, हमें उनसे कह मैं भैया अंदर तक सफा करो, करते ही ना तो क्या कहते हैं वो लोग फिर, जी कर तो दियो कर तो रहे, फिर वो चले जाते हैं हर वक्त थोड़ी भारी। टोंकल जी अगर सफाई की होती है, नाले साफ की होते, पानी कौन निकलता, ना निकलता जी, बिल्कुल भी ना निकलता, एक बूंद भी ना निकलता। जिंगल क्या नाम है आपका? तो कुछ कहना चाहते हैं आप? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भैया यहाँ से लेकर सूरजपुर तक कोई सफाई ही ना कर रहा कोई अपने। नहीं मैंने अभी अधिकारी से बात करी, अधिकारी बोल रहे हैं कि जी 102 दिन में ठीक करा देंगे इसे, हम ठीक कराएंगे। अभी गंदगी हो रही है बताओ, ये मच्छर डेंगू जो इतना मच्छर, शाम को यहाँ बैठो तो बैठा नहीं जाता है, यहाँ तो यही है। आपने कहीं पर कोई शिकायत दर्ज कराई है, किसी को कोई प्रार्थना पत्र दिया आपने? बस प्रॉब्लम क्या है, यही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो, क्योंकि निकलने वाले की परेशानी हो रही है। फिर जो भाई ग्राम का मेन नाला यही है ना, और सारी गंदगी यहीं से निकलती है, यानी कि पूरे गांव की सारी गंदगी आपके घर के सामने आके निकलती है। हाँ यही निकलती है, मेन नाला है ना ये। सफाई कर्मचारी कौन देख रेख करता है, किसका नाम पता आपको? नाम किसको पता नहीं, आप ही बता दो, आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने 5-स्टार होटल है, हाँ जी, बारात घर ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा होटल है, हाँ इसके सामने इतनी गंदगी है और ग्राम का मुख्य मार्ग यही है, हाँ आप देख सकते हैं पूरे गांव का पानी सड़कों पर फैल रहा है, ना कोई सफाई है, ठीक है, ना ही नाले साफ करें लोग, तो इस संबंध में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? दी है, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? दी है एप्लीकेशन, दी है। किसको दी आपने एप्लीकेशन? इनको अधिकारी, इनको दी है। अच्छा तो ये लोग क्या कहते हैं, कब सफाई करेंगे? कर रहे हैं जी, ये तो कब करेंगे, ये तो मैं लगभग 2 महीने से देख रहा हूँ, मैं दो महीने से इतनी गंदगी हो रही है, क्या कहना आपको इसमें? नाली में पानी आ रहा है, तब पहुंचे ही नाली, अभी साफ ना आए जब इतना कर लिया पानी। ग्राम के मुख्य मार्ग पे इतनी गंदगी है तो अंदर कितनी गंदगी होगी आप सोचो भाई, अंदर का हाल तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको वीडियो में, आप बताइए कुछ कहना चाहते हो उसमें? है ही गंदगी है, हमारी दो गली लंबे और पहली या दो तीन बिल्कुल गली बेकार है, गारा हो जा पड़ा रहा है, पानी भरा रहता है ना, नाली साफ हो रही है और गंदगी के मारे लिखना परेशानी हो रही है। समस्या कब से आ रही है जी आपकी? हाँ जी समस्या कब से आ रही है जी? समस्या तो बहुत दिन हो गए जी, कोई सुन ना रहे हो भाई, डेंगू जैसी महामारी फैल रही है, फैल रही है, बच्चे बुखार में पड़े फिर वही तो। हाँ जी जिम्मेदार कौन सुन रहा जी, जिम्मेदार कौन है फिर इसका? गवर्नमेंट से जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदारी, वो लोग जी। हाँ जी सही बात है, कोई नहीं सुनता जी, कह मैं तो हो जाएगा जी, होता है ना। सुनवाई कौन करता है फिर यहाँ की, जो भी शिकायत वाले है जी, और तो काम कर नहीं रहे हैं कुछ भी बेचता जी, और सुनाई कोई नहीं होती है। तो कब से परेशान है आप ये? अजी कई साल हो गया, मैं तो 2-3-4 साल से तो बिल्कुल बेकार। मैंने अभी अनिल भाटी जी से बात की थी, वो बोल रहे हैं 102 दिन में ठीक हो जाएगा नाले, दोबारा बनेंगे नाले टूट के। अजी ये तो बहुत कई महीनों से कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपने रास्ते तो बने पर देख सकते हो सफाई नहीं है यहाँ पर, और जो मेन उनके तो काम हुआ ही ना जी, हमें अरे हमें उम्मीद लग रही है कर दे गली नंबर 1, 2 और 3। हाँ जी बुरा हाल है उनका, बुरा हाल है जी, बुरा हाल है।
मतलब घरों की सारी गंदगी बाहर थोड़ी बारिश होगी ना तो निकलेंगे ना। कोई गली पानी भर जाता है, यहाँ बढ़ोगे तो नहीं चाहिए पूरी गली, मतलब मेन गली बनाई है दिखावे के लिए, अंदर की सारी गली छोड़ दी है। देखो मेन गली यही है, पहली दूसरी और तीसरी अंदर की बन गई है, पीछे सब बन गई, ये बन गई है, हाँ वही तो बन गई है। ये तीनों गली बेकार है जी। आपका नाम क्या है? राजू। आ जाओ अभी, जैसे ग्राम के मुख्य मार्ग पर गंदगी फैल रही है आप देख सकते हैं, पहली दूसरी गली जो है वो गली कार वैसी हैं जो अभी नहीं बनी है। नहीं, वो गंदगी तो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस मुख्य मार्ग की, तो जैसे किराउन पर सामने जो जहाँ से एंट्री हो रही है इस गांव की, तो पूरे गांव में कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ आप देख सकते हैं। मुख्य मार्ग पे इतनी गंदगी आप देख सकते हैं कि आदमी निकल नहीं सकता वहाँ से, उड़ के आएगा वहाँ से, चल के तो पैदल ही आएगा जी। बुरा हाल है जी। ठीक है, तो कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को? अब क्या कहवे जी, कोई करे तो जब ही कहवे, हम तो वसीर कहवे जी, हमारे करवा दो सुनता ना, और क्या कहवे, आप लोग ही चाहते कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई काम हो जाए, नाले साफ हो जाए, नाले साफ हो गए भाई, गली बन जाए। ये देख सकते हैं ग्राम वरकपुर का सारा पानी यहीं से निकल रहा है, और मेरा यही कहना है संबंधित अधिकारियों से कि जिस तरह से सरकार खर्च कर रही है हमारे ग्रेटर नोएडा में नालों पर, सड़कों पर, सफाई कर्मचारियों पर, हज़ारों कर्मचारी तैनात हैं सफाई के लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये 5-star होटल है ग्रेटर नोएडा क्राउन प्लाजा, जो कि पूरे ग्रेटर नोएडा की शान है, उसके बाद भी देख सकते हैं उसके ठीक सामने ही ये गंदगी फैली हुई चारों तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।